आपने इन समस्याओं के समुद्र में ब्रिज बना लिया। एक तो ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है, दूसरा संतोष बहुत जरूरी है। एक तो आप अपना प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, रोज सुबह शाम तक कर्म करते रहिए, लेकिन संतोष जब आ जाता है तो ये आठों मोड पर आ जाता है। जब आवे संतोष धन, सब धन हुई समान। तो जब संतोष रूपी धन आपके हृदय में प्रकट हो जाता है, जेब में कितना भी धन पड़ा हो, बैंक बैलेंस कितना भी पड़ा हो, घर में कितना भी धन पड़ा हो, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब संतोष रूपी धन आपके हृदय में आ जाएगा तो आप ये मत सोचिए कि धन की कमी हो जाएगी। लोग कहते हैं संतोष करेंगे तो धन कहाँ से आएगा, हमें संतोष करना है, करोड़ों कमाना है, छीनना है, झपटना है, इन्वेस्ट करना है, निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके अंदर संतोष धन आएगा तो आपके अंदर जो धन की क्षमता है वो ऑटो मोड पर आ जाएगी। यानी जहां भी आप बैठे होंगे, जैसे भी आप बैठे होंगे, जो भी आप कर रहे होंगे, पैसा निरंतर आता रहेगा। जब आवे संतोष धन, तो संतोष धन का मतलब ये नहीं कि हम धन छोड़ दें, कमाना छोड़ दें, काम छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें। काम तो सब करते रहेंगे, तो ये भरोसा कि हम कुछ ना करें तो भी धन आएगा। धन हमारा लक्ष्य नहीं है, सेवा हमारा लक्ष्य है। हमें सेवा करना है, कर्म करना है, कर्तव्य करना है। इसलिए भगवान ने कहा गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म में अधिकार है, और अगर तू कर्म में डूब जाएगा, कर्म में ईमानदारी से डूब जाएगा, पूरे कर्म में डूब कर करेगा, सत्य के मार्ग पर ही चलेगा, तो मा फलेषु कदाचन। फल में तो तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि फल में मेरा अधिकार है और मैं फल लेकर आप तुम्हारे लिए रखता हूं। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि भगवान के हाथ में फल हो, हमारे हाथ से तो कोई छीन सकता है फल को? हम बैंक में रखते हैं तो छीन सकता है, घर में रख दे तो छीन सकता है, तिजोरी में रख दे तो छीन सकता है, और कहीं प्लाट खरीद ले तो भी छीन सकता है, कोई कब्जा कर सकता है। लेकिन अगर भगवान के हाथ में है तो फिर निश्चिंत होकर हमें काम करना है। और इसी को कहा है भगवान ने कि कर्मण्ये वाधिकारस्ति, कर्म में है तेरा अधिकार, तो खुल के कर्म कर, पूरी दुनिया में कर्म कर, और अच्छी तरह कर्म कर, मन से कर्म कर, लेकिन फल में नहीं, क्योंकि फल तो तेरा सुरक्षित मेरे पास रखा है और वो मैं तुम्हें समय पर दूंगा। इसलिए कहा है कि जब आवे संतोष धन, गोधन गजधन बाजधन, ये बहुत बड़े धन हैं, गऊ है, घोड़ा है, हाथी है, सोना है, और रतन धन खान, रत्न बहुत बड़े धन है। अगर आपके घर में रत्न भर जाएं, लेकिन अगर आपके पास कोई रत्न के रूप में लोग हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों, आसपास सहयोगी हों, तो उनसे बड़ा कोई रत्न इस संसार में नहीं है। इसलिए जब रत्नों की बारी आई समुद्र मंथन में, तो लक्ष्मी जी ही प्रकट हो गई, क्योंकि वही जो लक्षण है, वो जो लक्षण है धन के, वो आपके हाथ में है, आपके हाथ में लक्षण बने हुए हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी की बात हो रही है, ये लक्ष्मी असल में कोई व्यक्ति की तरह नहीं है, कोई नारी की तरह नहीं है, वो लक्षण के रूप में है, लक्षण है। आपके घर में भी लक्ष्मी है, वो कार के रूप में हो सकती है, कोठी के रूप में हो सकती है, बैंक के रूप में हो सकती है, बैंक बैलेंस, FD के रूप में हो सकती है, सोने की चैन के रूप में हो सकती है। तो ये लक्षण जो है, साइन, साइन एंड सिंबल, सिंबॉलिक है लक्ष्मी। कराग्रे बसते लक्ष्मी, ये हाथ के आगे कुछ लक्षण बने हुए हैं, शंख चक्र। और फिर कहते हैं वनमाली गदी सांगी संखी चक्री चनंद की,
नारायणो विष्णु वासुदेवाभिरक्षतु। ये जो लक्षण बने हैं भगवान श्रीमन नारायण के आपके हाथ में, ये इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप कर्म करेंगे तो ये लक्षण इसीलिए बने हैं शंख चक्र, उनके लक्षण है ये कि वो आपको फल देंगे ही। और फल कब मिलेगा यही जानने के लिए आप हाथ दिखाने आते हैं, यही तो दिखाते हैं हाथ। लेकिन गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन। और जब आप संतोष के साथ बैठते हैं, ये टैक्सी इतनी सुंदर है, वैसे तो बहुत लोग आते हैं मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जगुआर इनोवा फॉर्च्यूनर सब लेके आते हैं, बहुत घुमाते हैं। लेकिन जब आप एक शांति के साथ बैठे होते हैं तो बड़ी छोटी छोटी चीजें आपको आनंद देने लगती हैं, आनंदित हो जाती हैं। और ये तब होता है जब मन में संतोष आ जाता है। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं मुंबई किस तरह से भाग रही है, दौड़ रही है, और लक्ष्मी जी किस तरह से कृपा कर रही है। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, समुद्र को छूकर हमारी ओर आ रही है, ऐसी ताजगी है समुद्र में। अभी मैं फ्लाइट से जैसे उतरा तो एक झोंका आया हवा का, और उस झोंके में मैंने देखा कृष्णा जी खड़े हुए हैं, टीवी स्टार स्क्रीन में दिखाई देते हैं। और ये इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप भी इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।